इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शहर के इंदिरा नगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 10 साल की बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर और शरीर पर गहरे चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया। कोंडीपुरा थाना प्रभारी मनोज बघेल ने बताया कि बच्ची 7वीं कक्षा की छात्रा है, मल्टी लैंग्वेज स्कूल में पढ़ती है। बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि कराटे प्रैक्टिस न करने पर कराटे टीचर पलक यादव और स्कूल की संचालिका आयशा लोधी ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। आरोप है कि बच्ची को पंखे से लटकाकर रस्सी से बांधकर पीटा गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 10:30-11 बजे की घटना है। मुझे स्कूल की तरफ से 1:30 बजे करीब फोन करके बुलाया गया और बच्ची के ऊपर इतना दबाव बना दिया गया था कि वो बोलने लायक ही नहीं थी। दूसरे दिन मेरे को बताई, तब मैंने इसको हॉस्पिटल लेके आया और फिर FIR दर्ज कराया। मगर FIR में होने के बाद भी स्कूल प्रशासन के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमको प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। स्कूल था ड्रीम मीडिया, अपना टी वर्ल्ड मल्टी लैंग्वेज स्कूल है। संचालक का नाम आयशा लोधी है और एक और जो उनके सहयोगी थे उनका नाम पलक यादव सर है, जो अभी तक मिले भी नहीं है, ना ही हमारी बात से बात हो रही है, ना कुछ हो पा रहा है। राज्य मिलेट मिशन योजना अंतर्गत मिलेट से संगोष्ठी एवं जागरूकता रोड शो का आयोजन सांसद बंटी विवेक साहू के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट परिसर के सामने मैदान में संपन्न हुआ। सांसद विवेक साहू ने मिलेट्स को स्वास्थ्य के लिए वरदान बताते हुए जिले के किसानों द्वारा किए जा रहे मिलेट्स उत्पादन की सराहना की। इस दौरान मिलेट्स मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया गया। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने किसानों को मिलेट्स अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में से संरक्षित करने की बात कही। उसके उपरांत सांसद, जनप्रतिनिधि एवं कलेक्टर ने मिलेट्स जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर शहर में रवाना किया, जो आगामी 3 दिन तक चले विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आज छिंदवाड़ा में माननीय सांसद महोदय के मुख्य आतिथ्य में और माननीय सभी जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के कलेक्टर साहब की उपस्थिति में ये मिलेट्स संगोष्ठी एवं मिलेट रोड शो हुआ। जैसी शासन की मंशा थी और समय की मांग है मिलेट्स की, मिलेट्स फसलों को प्रमोट किया जाए, उनका एरिया बढ़े, उनका उत्पादन बढ़े, उनकी उत्पादकता बढ़े, इसी क्रम में आज ये रोड शो किया गया और जिसमें शहर का आमजन भी इससे जुड़ सके, जागरूक हो सके और अपनी सेहत में मिलेट्स को शामिल कर सके। और ये हम लगभग 2-3 किलोमीटर का लंबा रोड शो हुआ शहर के बीच में, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय सभी हमारे किसान प्रतिनिधि और साथी उपस्थित रहे। परासिया क्षेत्र के सुमरन लाल रघुवंशी, जो कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बड़कुई में कार्यरत थे, उनका निधन नवरात्रि के दौरान जवारे विसर्जन कार्यक्रम में हुआ। उनका निवास कोसमी ग्राम में स्थित है, जहां उत्सव के दौरान देवी का भाव आने पर वे नाचने लगे। नाचते नाचते वे अचानक नीचे गिर गए। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अचानक हृदय गति रुकने से हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली, कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक छिंदवाड़ा, मोबाइल 9425306199, 9425147155। निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने राजस्व समीक्षा बैठक के निर्देश दिए कि टैक्स बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के बकायेदार दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी कर 3 दिन में बकाया राशि जमा करने को कहा। ऐसा न करने पर उनकी दुकानों का आवंटन रद्द किया जाएगा। इसमें इमलीखेड़ा, जल बगीचा और नया बैल बाजार कॉम्प्लेक्स के 12 दुकानदार शामिल हैं। संपत्ति कर न भरने वाले 350 मकान मालिकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी मियाद समाप्त होने वाली है। इसके बाद निगम द्वारा जल संपत्ति की कुर्की कार्रवाई की जाएगी। जलकर बकायेदारों पर भी कार्रवाई जारी है और 50 से अधिक मकान मालिकों के नल कनेक्शन भी काटे जा चुके हैं।
वरिष्ठ नागरिक संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अहम फैसले लिए गए। बैठक में दीपावली मिलन समारोह को धूमधाम से मनाने का फैसला हुआ। साथ ही समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू को आमंत्रित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के अंत में संगठन ने प्रेस फोटोग्राफर स्वर्गीय श्री राजकुमार सोनी उर्फ लल्ली के आकस्मिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। वरिष्ठ नागरिक संगठन की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में संपन्न हुई। बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें आगामी दिनों में दीपावली मिलन समारोह मनाने का निर्णय लिया गया और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय कर्मठ सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी को बुलाने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही हमने ये जो रेलवे की समस्या है उसको लेकर के ज्ञापन देने का भी हम लोगों ने सर्वानुमति से निर्णय लिया और हमारे जो एक प्रेस फोटोग्राफर थे श्री राजकुमार लल्ली, उनका कल आकस्मिक निधन हो गया था। वे हमारे बहुत सहयोगी रहे हैं और उन्होंने हमेशा हमारे कार्यक्रमों का वीडियो बनाकर ग्लोबल टीवी सहित अनेक टीवी चैनलों में प्रसारण करवाया था। ऐसे हमारे जो सहयोगी हैं उनके निधन से हमें बहुत दुख पहुंचा है और हमारे संगठन को क्षति पहुंची है। तो आज हमने यहां 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। निगम आयुक्त सीपी रॉय के निर्देशानुसार शहर में वार्ड 32 पोला ग्राउंड, वार्ड 9 में स्थित शासकीय हाई स्कूल लहगडुआ और वार्ड 22 में स्थित न्यू बालाजी स्कूल सोनाखार में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत नागरिकों और स्कूल के छात्र छात्राओं को 4 प्रकार के कचरे, गीला, सूखा, घरेलू हानिकारक और सैनिटरी बेस्ड कचरे की सही तरह से पहचान और प्रबंधन की जानकारी दी गई। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटान और सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी साझा की गई। नागरिकों को स्वच्छता ऐप के बारे में भी बताया गया और उसे डाउनलोड भी करवाया गया। अभियान के अंत में सभी ने स्वच्छता की शपथ ली। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली, कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली ईएमआई ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक छिंदवाड़ा, मोबाइल 9425306199, 9425147155।